राधे राधे। जहाँ से मैंने वीडियो अपना एंड करी थी वहीं से ही मैं शाम के टाइम से मतलब शुरू कर दी हूँ। तो आज है सोमवार और शाम का समय हो रहा है, मैं अभी 6 बजने को जा रहे हैं। तो यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे किचन में कोई फ़ैन नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल बस ये सब सिंपली बनाऊँगी। तो सिंपली भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें बस सिंपली मसाला ऐड किया है मैंने और फटाफट से बन जाएगा ना उसके बाद से। फ्रेंड फाइनली खाना बन के रेडी हो चुका है, चावल भी बन चुकी है और एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ सैलड कट करके रख दिया है और भिंडी की सब्ज़ी भी बन चुकी है और दाल भी बन चुकी है फ्राई वाली और इसमें है चावल। और बर्तन सारे मैंने धो दिए हैं और अब जाऊंगी दूध लेने। तो फाइनली खाना बन के रेडी हो चुका है और आप भी बज रहे 6:30। तो गर्मी इतनी है इस वजह से मैंने खाना जल्दी बना दिया है, क्योंकि खाना तो वह ऑलरेडी गर्म ही रहेगा, ठंडे का दिन तो है नहीं कि मतलब ठंडा हो जाएगा, इस वजह से मैंने खाना बना दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा विकट की है। तो अब जा रही हूँ दूध लेने, तो दूध लेके आऊँगी तो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाऊँगी। तो चलिए फिर पहले मैं दूध ले आ लेती हूँ, उसके बाद से आपसे फिर मिलती हूँ। आज है नेक्स्ट डे, आज है मंगलवार और सुबह का समय हो रहा है और पूरा घर का काम मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैं इस टाइम बनाने जा रही हूँ अमियाँ खट्टी मीठी चटनी आम की। बहुत दिन से ले आकर मतलब बहुत दिन से क्या, एक हफ्ता हो गया था मुझे अमियाँ रखे हुए फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो इसे लगे ठिकाने लगा दूँ क्योंकि वो पक चुका था। तो इसकी मेरी रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कैसे मैं बनाती हूँ, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, अपने चैनल पर डाल रखा है। तो चलो फिर फटाफट से मैं बना लेती हूँ। राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का अपना YouTube चैनल में स्वागत है और इस टाइम बज रहे हैं मतलब 9:15 हो रहा है और घर का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी होता ना जल्दी उठो तो जल्दी काम भी हो जाता है और बच्चे सब की छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा बहुत हम भी मतलब एक ही टेंशन नहीं होती है कि हाँ बच्चों को टिफ़िन तैयार करो, बच्चों को तैयार करो, ये चीज़ अभी नहीं है, 1 महीने बाद ही वो भी शुरू हो जाएगा। तो पूरा घर का काम कंप्लीट हो चुका है और जस्ट अभी नहा कर दोबारा मैं आई हूँ। सुबह नहाई थी तो दूसरा दो मैक्सी है मेरे पास, तो एक मैक्सी पहन लेती हूँ क्योंकि खाना वाना बनाओ ना बहुत गर्मी लगती है और मतलब गर्मी का दिन ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा टप हो उसी के अंदर बस बैठे रहो मतलब इतनी गर्मी हो गई है। कुछ पूछिए मत, आप लोग के यहाँ कैसी गर्मी है आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। और बस आज मैंने बस रोटियाँ बनाई और आम ही रखा था, वो आप लोगों ने देख ही लिया हो, तो वो मैंने बिल्कुल कच्चा था, रखे ना 1 हफ्ता हो गया था, तो रखे वो पक गया था। तो फिर मैंने कहा चलो उसको बना के लगे ठिकाने लगा दिया जाए कि उसके पापा को ना अच्छी लगती है और मेरे को भी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने आमी के खट्टी मीठी आमियाँ बना के रख दिया है चटनी और थोड़ा सा चावल बचा है तो उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी चावल का और बच्चे खा लेंगे, बस यही है। और रात का दाल बचा है फ्रिज में रखा है तो वो गर्म करके खा लेंगे। ज़्यादा कुछ सुबह बनाई नहीं थी मैंने और बस ऐसे ही, गर्मी में वैसे भी खाना खाने का दिल नहीं करता, मन करता है पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बस यही है। और ठंडियों में तो दिल करता है कुछ ना कुछ खाते रहो, पानी कम खाते रहो, और गर्मियों में उल्टा होता है कि पानी पीते रहो खाना कम, तो ये है। तो चलिए फ्रेंड, अभी जस्ट नहा के आई और बस कपड़े वगैरह चेंज वेंज कर दिए हैं और अब कृष्णा आएगा तो उसके बाद से मैं फ्राई करूँगी चावल को, दे दूँगी। तो बस यही है फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेट मिलती है, मतलब एक खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। लाइक से मुझे पता चलती है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो बस यही है।
आजकल तो मैं कपड़े धो के सीधा बालकनी में नहीं मतलब अपनी गैलरी में ही डाल देती हूँ, चौक में ही डाल देती हूँ। और यहाँ किचन की भी मैंने आज मतलब सफाई करी, मतलब छोटा सा किचन है, स्लिप उलिप थोड़ा गंदा हो जाता है तो मैं लगे हाथ धो देती हूँ, हफ्ते में 3 बार तो धो ही देती हूँ। और आज डिब्बों को भी ना अरेंज किया, जब भी हम कुछ उठाते हैं ना तो इधर उधर हो ही जाती है, तो बस आज किचन की साफ़ सफाई किया। और साफ़ सफाई हो जाता ना, एक सुकून सी मिलती है अपने घर को, अगर साफ़ सफाई रखो अपने घर को, किचन करो तो बिल्कुल साफ़ सफाई तक सुकून मिलती है अपने दिल को। तो वही है मेरा हाल, ऐसा ही आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता ही होगा, देख के साफ़ सफाई अपने घर को देख के खुशी मिलती होगी। तो यहाँ पर ना मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, रात का बचा हुआ चावल था फ्रिज में रखा हुआ था, तो वही मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, तो यही हम लोग खा लेंगे इस समय। और रोटी भी बची हुई है और चटनी बची हुई है और क्या कहते हैं दाल भी बचा हुआ है, तो बस मैं यही सिंपली फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चों को ना ज़्यादा इसमें ना चीज़ पसंद ही नहीं है। डालने को तो मैं बहुत कुछ डाल सकती थी लेकिन मैंने डाली सिंपली चावल फ्राई किया है। और ये मैं प्रियांशी को देने जा रही हूँ, वो खा लेगी तो, और थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। कृष्णा नहीं खाएगा, कृष्णा दाल रोटी खा लेगा। इस टाइम हो रहे हैं 4:30, मतलब दोपहर के 4:30 बज रहे हैं, और मैं कपड़े सारे लेके आई हूँ बालकनी में से, और उन सबको ना फोल्ड करके एक एक जगह पर इनको अपनी अपनी जगह पर रखे जा रहे, क्योंकि आजकल ना कपड़े भी धुल जा रहे हैं ना तो बहुत जल्दी मतलब फैला दो तो जल्दी सूख भी जा रहे हैं। आजकल मैं छत पर तो डाल ही नहीं, सीधा मैं चौक में डाल रही हूँ, छत पे इसलिए नहीं डाल रही, धूप इतनी तेज़ हो रही है और ध्यान ना इधर उधर हो जाता है, फिर कपड़ों का रंग उड़ने का डर रहता है। और फिर मैं ना खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ मैं चटनी पीस रही हूँ लहसुन और मिर्ची की और धनिया की। तो सिलवटे पे का चटनी किसको किसको पसंद है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक ना मिक्सी का चटनी और एक सिलवटे पे का चटनी में बहुत अंतर होता है। और पीछे का साइड आप देख रहे होंगे कुकर में मैंने खिचड़ी बैठा रखी है, चने की दाल की मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से, इसलिए मैंने गर्मी के वजह से मैंने खिचड़ी इस टाइम सोची बनाने, मैं सोच तो रही थी कढ़ी चावल बनाने के लिए लेकिन वो मैं कल बनाऊंगी, आज मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे आज मंदिर भी जानी है और आज बहुत सारा काम भी है, तो लगे हाथ ना बर्तन भी मैं थोड़े बहुत है सिंक में। हम जब भी खाना कुछ बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं ना, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं किचन में, मतलब सिंक में हो ही जाते हैं बर्तन सब, तो वही मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ, धो के साइड में कर दूँगी, उसके बाद से मैं बर्तनों को बाद में अरेंज कर दूँगी इनके जगह। दोस्तों अभी मैं मतलब खिचड़ी बैठा रखी हूँ, आप लोग को मैंने बता ही दिया है, और अभी हो रहे हैं 5:30। अब थोड़ा बहुत पानी भर लूँगी क्योंकि पानी भी हमारे वाला है पीने वाला, तो वो भी पानी भर लूँगी, उसके बाद से हम लोग मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ाना है और दूध भी वहीं से लेके आएंगे। तो बस ये सब काम है, अभी कृष्णा गया है प्रियांशी को लाने, तो बस प्रियांशी के लिए उसके चाची ने नीचे से कचरी भेजा तो ये दे दूँगी, तब तक बच्चे खाते रहेंगे, उसके बाद से मैं तब तक दूध वगैरह लेके आ जाऊँगी, तो फिर मिलते हैं आपसे। हुए हैं हम लोग मंदिर में और मंदिर में हम लोग प्रसाद चढ़ा दिए हैं, पंडित जी को हमने दे दिया था प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि बालाजी महाराज जी को ना डायरेक्टली हम लोग प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं, पंडित जी ले लेते हैं और वही प्रसाद चढ़ा के हमको प्रसाद वापस कर देते हैं, तो ऐसा सीन है। और फिर हम लोग ने प्रसाद चढ़ा के और फिर हमने सभी देवी देवता का दर्शन किया। और यहाँ पर ना इतने अच्छे अच्छे लड्डू गोपाल जी छोटे छोटे हैं कि कितने लोग तो ले कर जाते सेवा के लिए, और कितने लोग जैसे होते हैं ना बड़े के चाहत में छोटे लड्डू गोपाल जी को दे देते हैं, तो यहाँ पे रख जाते हैं, यहाँ पे दे जाते हैं पंडित जी लोगों को, तो पंडित जी लोग ना सभी लड्डू गोपाल जी को भी देखिए बहुत छोटे छोटे, अभी मैं कभी किसी दिन दिखाऊंगी, बहुत छोटे छोटे हैं, 1 नंबर 2 नंबर के, तो बड़े के चाहत में ना छोटे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे धर जाते हैं और यहाँ पे पंडित जी लोग ही सेवा हुआ पूजा भोग सब करते हैं। तो उसके बाद से ना देखिए यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, जन्माष्टमी पर तो इतना अच्छा ये इस मंदिर को सजा के रखते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है और सुकून मिलता है, मंदिर में जाओ ना तो बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, मन नहीं करता मंदिर से घर आने का। उसके बाद से हम लोग दूध वगैरह लेके चले हैं, दूध गर्म कर दिया है और शाम के टाइम का पूजा भी हो गया है और भोग बूंदी का लगा दिया है, लड्डू गोपाल जी को दूध का भी भोग लगा दिया, यह बातें सब हो चुका है, लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा दिया है, अभी चष्टी लगा के आ गई, दूध गर्म हो चुका है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन है, कोई भी कॉमेंट्स हैं तो आप कॉमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माता।